सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, ग्राहक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। सो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप नए फोन लेते हैं जियो भारत का इस तरह का। सो अगर आपने जियो भारत लिया है जियो भारत वी वन या वी टू, तो यहाँ मैं आपको एक फीचर जो कि है यूपीआई पेमेंट मेड विथ जियो पे। गाइस, यहाँ जियो पे से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, ये कंपनी का कहना है। और यहाँ पर आप अगर खोल के देखते हैं, बॉक्स को खोल के देखते हैं, मोबाइल ऑन करके देखते हैं, तो आपको यहाँ पर मोबाइल में आपको कहीं पर भी आपको जियो पे का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने जियो फोन जियो भारत वी वन, तो यहाँ पर मेनू में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर कॉल लॉग है, कॉन्टेक्ट है, मैसेज है, मल्टीमीडिया है, टूल्स है, नोट्स है, एंड फाइल्स, सेटिंग, कैमरा, इंटरनेट, जियो सिनेमा, जियो सावन, एंड लास्ट आपको क्लॉक का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे कि मल्टीमीडिया में वो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर मल्टीमीडिया में आप देख सकते हैं वो ऑप्शन यानी जियो पे का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप टूल्स में देखेंगे तो टूल्स में भी आपको सिर्फ तीन ही टूल मिलता है देखने को, तो यहाँ पर कहीं पर भी जियो पे का ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर से बात किया है, जो कि बॉक्स के ऊपर उनका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉल किया है तो क्या उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मैम, ये मेरा ये एक मैंने एक जियो फोन लिया है, उसमें जियो भारत V1 4G, तो यहाँ पर UPI पेमेंट जो है लिखा हुआ है, लेकिन फोन में तो कहीं पर भी नहीं दिखा ऐप कुछ, जियो पे वगैरह का ऐप। नाम बताएंगे आप? सुमित बर्मन जी। जियो 5 भारत फोन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जियो ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको 1 नवर ट्रिपल लाइन में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मिल रहा है। अदर ऑपरेटर आपको 179 के प्लान में 2GB डेटा वॉइस कॉल दे रहे हैं, जबकि जियो आपको 123 के प्लान में अनलिमिटेड कॉल और वॉइस कॉल दे रहा है। जियो पे ऐप जियो पे ऐप होगा, आप वो चेक कीजिए, उससे UPI पेमेंट आप कर पाएंगे। पर मैम, इसमें तो जियो भारत V1 में तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर कोई भी ऐप। ओके, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जियो पे ऐप नहीं दिख रहा है आपको? जी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मैं लाइन पे रहा, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। लाइन पे रहिएगा। आपको जियो पे ऐप ओपन करना है आपके फोन में। जियो पे है ही नहीं तो कहाँ से ओपन करूँ? जियो पे है ही नहीं। ओके, तो सर फिर आपको वेट करना होगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा इसमें। ओके, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो जियो पे ऐप है वो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा और वो प्रॉपर वर्क करेगा। बट वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तब जब आपके फोन में 70% बैटरी होगी या वो चार्ज लगा होगा सर, उसी समय ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो आप वो सॉफ्टवेयर एक बार अपडेट हो गया तो जियो पे, जियो सावन, जियो सिनेमा ऐप में जो इशू आ रहा है वो इशू नहीं आएगा सर वर्क करने में। क्या कहा आपने, कितना समय लगता है? ऑटोमेटिकली होगा सर, कब होगा ये नहीं पता। अभी आप 70% ऊपर रखें उसकी बैटरी, ओके, और या फिर उसको चार्ज पे लगा के रखें, 70% से ऊपर ही बैटरी होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर इंस्टॉल। अगर 70 से नीचे होगी बैटरी तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये अपडेट जो है ना, वो मतलब कुछ दिन कोई समय लगता है क्या, जैसे दिन, महीना, हफ्ता? नहीं, महीना हफ्ता नहीं लगता है, 70% से ऊपर बैटरी रखिए वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सर। अच्छा, 70% से ऊपर रखना होगा ना बैटरी? हाँ जी, ये 70% आज रखो तो आज के अंदर अपडेट हो जाएगा ना जियो पे? हाँ सर, आप ऊपर। हाँ जी सर, ठीक है, मैं करके देखता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा ना, सिम होना पड़ेगा ना इसके अंदर? हाँ, वो हाँ, डेटा तो आपका है ना आपके पास? हाँ, ओके, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों ने जैसा कि सुना कि यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं है, यहाँ पर आपका बैटरी जो है 70% होना पड़ेगा चार्ज, आपके फोन में इंटरनेट यानी आपका जियो सिम यहाँ पर लगा होना चाहिए, तभी जाके ये होगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं हम इसको। हमारे यहाँ फोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब करीब 70 से ज्यादा ही होगा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ 50% होता तो हाफ होता, तो यहाँ पर 70 से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इसको चार्ज में फुल रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये लगता है कि नहीं है, लगता है यानी अपडेट आके जियो पे ठीक होता है या नहीं होता है, देखेंगे हम। सो गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चार्ज लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पर काफ़ी देर तक वेट किया है और यहाँ पर हमने 70% था पहले,
तो 70% से नीचे था, लेकिन 70% जैसे कि कहा ये कॉल सेंटर वालों ने, तो 70% का अबव रखा और नेट भी ऑन था। फिर भी गैस, फिर भी मतलब किसी तरह का सिस्टम अपडेट नहीं आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही का वही ऐप है, तीन ऐप दिख रहा है हमें यहाँ पर, जियो सावन, जियो सिनेमा और इंटरनेट, और यहाँ पर क्लॉक। तो ये तीन ऐप ही आपको देखने को मिल रहा है इंटरनेट में, एक्स्ट्रा ऐप जो इंटरनेट से चलता है। बाकी आप जियो पे के लिए, जियो पे का अपडेट नहीं आया, यूपीआई आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक ये अपडेट जो जियो की तरफ से नहीं दिया गया है इसमें। और देता भी होता देता है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको इसमें अपडेट कर दूंगा वीडियो डालकर। सो गाइस, आज के लिए तो इतना ही था, यही था, मुझे ये बताना था कि यहाँ पर जियो फोन में आपको, जियो भारत में आपको जियो पे या फिर यूपीआई का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। सो ये था गाइस, आज के लिए इतना ही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर मुझे फॉलो करना ना भूले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।